अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं टेंपल रोड पर हीरा सिरीपाई पर। अगर आप लोग हीरा सिरीपाई का रिव्यू लेना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी का आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें बढ़ते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। जी फ्रेंड्स, ये हीरा सिरीपाई पर मैं मौजूद हूँ और ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ टेंपल रोड पर। हीरा सिरीपाई के बिल्कुल सामने लब्बा चने वाले है और अल मशहूर मामा कबाब फरोश। ये मामा कबाब फरोश यहाँ पे टेंपल रोड पे बहुत मशहूर है। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि मामा कबाब फरोश पर जाना है, वो आपको बता देगा। और हीरा सिरीपाई की लेन में ही उससे थोड़ा सा पीछे गोगा नकेबिया मुर्ग चने वाला भी है, ये आपको एड्रेस समझा दिया। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है, इसके साथ गवर्नमेंट बेकरी भी है हीरा सिरीपाई के साथ ही। आप लोगों को आसानी हो जाएगी यहाँ पे पहुँचने में। ये जी हीरा सिरीपाई, ये जी सर अपने पास क्या क्या होता है? अच्छा अच्छा, बुध वाले दिन सिर्फ मुर्गा होता है, ठीक है सर। रेट बताएंगे आप? ये जी रेट लिस्ट है, आप लोग यहाँ से रेट लिस्ट देख सकते हैं। इनकी सिरीपाई बहुत फेमस है और आज गालिबन बुध है, पर आज मिलेंगे हमें देसी मुर्ग। अब बनते हुए देख रहे हैं आप, जी फ्रेंड्स चूंकि आज बुध है इसलिए इनके पास सिरीपाई तो नहीं मिले, आज इनके पास देसी मुर्गा मिला मुझे,
क्योंकि वो बता रहे थे कि हम लोग सिर्फ बुध वाले दिन देसी मुर्गा लगाते हैं और अदरवाइज़ बाकी सब दिनों में सिरीपाए होते हैं, सिर्फ बुध वाले दिन सिरीपाए नहीं मिलते इनसे। तो इसलिए आज अनफॉर्चुनेटली मैं बुध को आया हूँ तो मुझे सिरीपाए नहीं मिले, तो मैंने आज देसी मुर्गा, मैंने कहा चलो आए हैं तो इनका देसी मुर्गा ही टेस्ट कर लेते हैं। तो देसी मुर्गा मेरे पास आ गया, सर्व कर दिया गया, आप लोगों को भी दिखाता भी हूँ और फिर खाने के बाद आप लोगों को इंशाल्लाह रिव्यू देता हूँ कि ये रिकमेंडेड है या नहीं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। तो ये देखें जी, मैं आप लोगों को अब इनका ये दिखा रहा हूँ, ये इनका देसी मुर्गा, ठीक है जी। दिखने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, ये देखें, ये थाई की बोटी है, ये देसी मुर्गे की थाई की बोटी है और ये शोरबा है इनका। देखने में तो माशाल्लाह मज़े का लग रहा है। बाकी अभी ये खाने के बाद आप लोगों को रिव्यू देता हूँ इंशाल्लाह। अब मुकम्मल खाने के बाद आप लोगों को बताऊंगा कि आया रिकमेंडेड है या नहीं। सिर्फ आप लोग दो मिनट मेरे साथ रहिए जी। फ्रेंड्स, नाश्ता हो गया मेरा, देसी मुर्गा खा लिया मैंने और अब रिव्यू देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को यहाँ पे विज़िट करना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, 10/10 टेस्ट है और आप लोग भी आइएगा, विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अगर आप लोग देसी मुर्गा खाना चाहते हैं तो देसी मुर्गे का मुझे मज़ा आया, इनके सिरीपाए का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इनके सिरीपाए खाए नहीं है। जो चीज़ मैंने खाई है उस चीज़ का आपको रिव्यू दिया है, तो हो सके अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग विज़िट कीजिएगा यहाँ पे। अब मुझे तो इजाज़त, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।